अब हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स के जब हम ये कह रहे हैं कि जब मैंने फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट को होस्ट करना है तो इसका क्या मतलब है। वेबसाइट को होस्ट करने का मतलब है कि मुझे दो चीज़ों के बारे में डिसीजन करनी है, दो चीज़ों के बारे में। बहुत आसान चीज़, लेकिन इसके बगैर मेरा जो ऑनलाइन स्टोर है या जो मेरी वेबसाइट है वो उसकी प्रेजेंस इंटरनेट के ऊपर अनेबल नहीं हो सकती। आसान लफ्जों में कि मैंने एक चीज़ अपने लैपटॉप के ऊपर, अपने कंप्यूटर के ऊपर मैंने चला के देख ली, वो बिल्कुल सही चल रही है। अब मैंने उसको इंटरनेट पे पब्लिश करना है, इंटरनेट पे लेके जाना है अपना स्टोर, तो उसके लिए मुझे कम से कम दो स्टेप करने हैं होस्ट करने के लिए। अगेन, होस्ट से मुराद मेरी ये है कि मैंने लोगों को बताना है कि मेरे एक ऑनलाइन स्टोर है और उस ऑनलाइन स्टोर में एक्स वाई जी प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। तो जो पहला स्टेप है या जो पहला कंपोनेंट है वेबसाइट होस्ट करने का, यानी जो पहला डिसीजन मुझे करना है वो ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में हमें बहुत सिंपल लगता है लेकिन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मुझे अपनी वेबसाइट का नाम मालूम करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम URL, URL से मुराद होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फॉर द वेबसाइट। इससे क्या मुराद है कि google.com फॉर एग्जांपल एक डोमेन है, google.com एक डोमेन का नाम है, यानी मैंने अगर इंटरनेट पे गूगल तक पहुंचना है तो मुझे कोई एड्रेस पता होना चाहिए जिसको मैं ब्राउजर में टाइप करूं तो मेरे पास मैं उस वेबसाइट तक पहुंच सकूं। आसान लफ्जों में इट इज द एड्रेस, इट इज अ वर्चुअल एड्रेस ऑफ सम वेब पेज, यानी जिसका घर का एड्रेस होता है बिल्कुल वैसे ही तरीके से आपको अपनी वेबसाइट का एड्रेस इंटरनेट के ऊपर बताना पड़ता है, या पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है कि मैं किस नाम से अपना बिजनेस इंटरनेट के ऊपर लेके जाना चाहता हूं या चाहती हूं। नंबर वन। नंबर टू, ये पहला कंपोनेंट था होस्टिंग का। दूसरा कंपोनेंट के google.com, जब मैं ब्राउजर में लिखता हूं तो आई कैन सी अ पेज जिसके ऊपर एक सर्च बॉक्स आता है, कुछ मेन्यूज आते हैं टॉप राइट के ऊपर और कुछ डेटा आता है एंड सो ऑन। ये चीजें कहीं फिजिकली पड़ी हुई हैं, यानी ये जो डेटा मुझे नजर आता है, फॉर एग्जांपल मैं google.com में जैसे ही जाके सर्च करता हूं तो आई सी सम पेजेस जो मुझे सर्च के बाद और नजर आते हैं, तो ये फिजिकली कहीं पड़े हुए हैं, यानी google.com के अंदर जो डेटा है वो किसी वेबसाइट, यानी जो एक वेबसाइट है या ऑनलाइन स्टोर है उसका डेटा इंटरनेट पे कहीं ना कहीं मौजूद है। इसको बोलते हैं होस्ट स्पेस या स्पेस टू होस्ट अ वेबसाइट। वेबसाइट की क्या चीज होस्ट करनी है, ऑब्वियसली उसका कोड, यानी फॉर एग्जांपल कुछ CSS होगी, कुछ HTML होगी, कुछ सर्वर साइड की चीजें होंगी जो आपको भी बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ कोड होगा और फिर कुछ डेटा होगा। ये डेटा इंटरनेट पर जब मैंने लेके जाना है तो मुझे कुछ स्पेस चाहिए, कुछ कंप्यूटर चाहिए जहां पे मैं अपना डेटा रख सकूं ताकि लोग उसे फिर एक्सेस कर सकें। तो ये दूसरा स्टेप है कि मुझे कुछ होस्टिंग स्पेस चाहिए, और ऑब्वियसली होस्टिंग स्पेस मुझे किसी सर्विस प्रोवाइडर से परचेज करनी पड़ती है। तो जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो दुनिया में बेतहाशा हैं, जैसे फॉर एग्जांपल GoDaddy.com एक बहुत मशहूर सर्विस प्रोवाइडर है, 1&1.com एक बहुत मशहूर सर्विस प्रोवाइडर है, बिल्कुल इसी तरीके से और बेतहाशा सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको डोमेन नेम और स्पेस टू होस्ट द वेबसाइट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहां पे सिर्फ जो बात आपने अभी समझनी है कि जरूरी नहीं है कि आप एक ही सर्विस प्रोवाइडर से डोमेन नेम और वेबसाइट को होस्ट करने की सर्विस आप परचेज करें, मतलब ऐसा बिल्कुल हो सकता है और ऐसा एसेंशियली लोग करते हैं कि फॉर एग्जांपल GoDaddy.com से मैंने डोमेन नेम परचेज कर ली और 1&1.com से मैंने फॉर एग्जांपल उस वेबसाइट को
होस्ट करने का की जो स्पेस है, जो वेब स्पेस है जहाँ पे मेरा कोड एक्चुअली रिजाइड करेगा, वो मैंने एक डिफरेंट आईएसपी से परचेज कर ली या सर्विस प्रोवाइडर से परचेज कर ली, और डोमेन नेम मैंने किसी और सर्विस प्रोवाइडर से परचेज कर ली। इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, और ये भी पॉसिबल है कि मैं एक ही सर्विस प्रोवाइडर से दोनों चीजें परचेज कर लूं, यानी डोमेन नेम भी और वेबसाइट को होस्ट करने के लिए जो स्पेस चाहिए वो भी। तो व्हाट डज इट ट्रांसलेट टू? जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। सिर्फ अभी आप जो एक फिजिकल कंप्यूटर पड़ा हुआ है पिक्चर में, इसको हम लोग एक होस्ट बोलते हैं, यानी ये वो कंप्यूटर के ऊपर स्पेस रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैंने एज अ ओनर ऑफ द ऑनलाइन स्टोर, फॉर एग्जाम्पल GoDaddy.com को पैसे दिए मैंने, और मैंने इस कंप्यूटर के ऊपर कुछ स्पेस परचेज कर ली जो मेरी ऑनलाइन स्टोर की स्पेस है जहां पे मैं अपनी वेबसाइट को होस्ट करूंगा। तो पहला स्टेप कि यू यानी एज अ ई कॉमर्स ओनर, वेबसाइट ओनर, यू अपलोड योर फाइल टू द वेब होस्ट, यानी मैंने GoDaddy.com से कोई स्पेस परचेज की एक कंप्यूटर के ऊपर, और उस कंप्यूटर के ऊपर मैंने अपनी वेबसाइट को अपलोड कर दिया। अब उसके बाद वेबसाइट के विजिटर्स आए। अब जब वेबसाइट के विजिटर्स आएंगे तो ब्राउजर में फॉर एग्जांपल उन्होंने लिखा जो भी डोमेन का नाम था, फॉर एग्जांपल google.com लिखा, तो मैंने जब ब्राउजर में google.com लिखा, यूआरएल मैंने टाइप किया, तो जो मेरी रिक्वेस्ट है वो इनडायरेक्टली राउट हुई है टू godaddy.com वाया माय आईएसपी। अब मेरा आईएसपी फॉर एग्जांपल जोंग था, फॉर एग्जांपल टेलीनॉर था, PTCL था, जो भी था, मेरी डोमेन नेम के अगेंस्ट मेरी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हुई है वेब होस्ट के पास। इससे मुराद यह है कि जो मैंने स्पेस रेंट आउट की हुई है या जिस स्पेस के मैंने पैसे दिए हैं वहां मेरी रिक्वेस्ट राउट होगी, और वहां से फिर जो एंड क्लाइंट है, जो वेबसाइट का विजिटर है, उसको वो पेज सर्व हो जाएगा जो मैंने एज अ ओनर अपलोड किया था। आसान लफ्जों में कि google.com जब मैं टाइप करता हूं तो मेरी रिक्वेस्ट उस मशीन पे जाती है जहां पे google.com यानी डोमेन नेम के अगेंस्ट कुछ डेटा पड़ा हुआ है, और वो डेटा उस मशीन से मुझे और आपको एज अ वेबसाइट विजिटर एट द एंड ऑफ द डे नजर आ रहा होता है, एट सिंपल एज दैट। तो डोमेन नेम एक एड्रेस का नाम है मेरे स्टोर का, जो कि मुझे दुनिया को बताना है कि मैंने इस नाम से ऑनलाइन स्टोर ओपन किया है, और उसके साथ साथ मुझे कुछ स्पेस भी परचेज करनी है किसी सर्विस प्रोवाइडर से, ताकि मैं डोमेन नेम अगर मेरा कोई लिखे वेब ब्राउजर के ऊपर तो उसको जो चीज नजर आनी है, यानी जो क्लाइंट को चीज नजर आनी है, जो डेटा नजर आना है, वो कहीं पड़ा होगा तो नजर आएगा। तो होस्ट वो जगह है जहां मेरी वेबसाइट का डेटा एट द एंड ऑफ द डे मौजूद होता है, जहां से वेबसाइट के विजिटर्स वो डेटा को व्यू करते हैं।